हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों की चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि आबू रोड के एक निजी होटल में भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, जिला प्रभारी मदन राठौर, विधायक जगशी राम कोली और विधायक समा राम गरसिया के सानिध्य में एक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी आबू रोड कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से आबू रोड में कार्यक्रम करेंगे। हमारे लिए बड़ी खुशखबर है कि 12 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में आबू रोड पधार रहे हैं। आप 25 सितंबर के दिन पधारे थे और उस समय रात्रि के 10 बजे होने की वजह से माइक पे अपना उद्बोधन नहीं दे पाए थे और उन्होंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा और आपका जो समय लिया उसको मैं से चुकाऊँगा। उस वादों को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री 12 तारीख को पधार रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पलक पाखड़े बिछा के बड़े उत्साह के साथ में इस बार बहुत बड़ी संख्या में 2.5 से 3 लाख की संख्या में उनका अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और मोदी जी के गुणगान मोदी जी के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलेगा ये प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रभारी मदन राठौर का कहना है कि नतमस्तक होकर भाव विभोर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो एक बार फिर से आबू जरूर आएंगे और आगामी 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड में अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब सितंबर में यहाँ पर आए थे और वो समय की कमी के कारण से अपना भाषण नहीं दे पाए थे क्योंकि वो दूर भाग उसका ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते थे, 10 बज चुके थे। तो उन्होंने जनता के सामने नतमस्तक होकर के जनता का अभिवादन किया और साथ में ये वादा भी किया कि मैं ये वादा करता हूँ कि दोबारा आपके बीच में आऊँगा और ब्याज समेत समय का और भोग लगाऊँगा। तो वो उस वायदे को निभाने के लिए फिर से आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में 2.5 गुना अधिक संख्या में हमारे यहाँ पर और कार्यकर्ता और जनता एकत्रित आएगी। बहुत उत्साह है, बहुत शानदार कार्यक्रम हम करेंगे, लगभग 2.5 से 3 लाख लोग उसमें उपस्थित रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर 2 से 3 जगह चिन्हित कर उन जगहों का निरीक्षण किया गया है। तैयारियां पूरी तरीके से अपने जोरों पर हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में 2.5 लाख से 3 लाख तक जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद जताई गई है। सिरोही, जालौर, पाली, उदयपुर सहित 20 विधानसभा से लोग इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। सितंबर में जब आबू रोड में आगमन हुआ था उस समय वादा करके गए थे, उस वादा को पूरा करने के लिए 12 तारीख को आबू रोड में आगमन हो रहा है और क्षेत्र की जनता में बहुत उत्साह नजर आ रहा है और उससे लग रहा है कि 2.5 से 3 लाख की तादाद में यहां पर क्षेत्र की जनता एक जन सैलाब के रूप में उनको आपको संबोधन करेंगे। मेरे क्षेत्र की जनता को मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी अपना कीमती समय निकाल कर उस सभा को सफल बनाए। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस चर्चा के दौरान पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण, प्रधान नितिन बंसल, जिला मंत्री जय सिंह राव, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सवड़िया, राधेश्याम शाक्य, पूर्व जिला प्रमुख पायल परशुराम पुरिया समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आबू रोड से जागरूक टीवी के लिए मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।